हाय फ्रेंड्स, मैं तेजस। ये मारुति स्विफ्ट है, ये पेट्रोल वर्जन में। सो ये गाड़ी में मिसिंग का प्रॉब्लम है। सो इसका जो टोटल बॉडी है उसको सर्विस करने वाले, और इसका जो फ्यूल इंजेक्टर से उसको भी सर्विस करने वाले। सो आप देख सकते हैं इसका टोटल बॉडी है, ये चार बोल्ट पे स्क्रू होता है, फिट होता है, 12 नंबर के बोल्ट इस पे देख रहे हैं ये। और इसके जो नीचे के जो फ्यूल इंजेक्टर्स है ये देख रहे हैं आप, इसको भी जो है सर्विस कराने का है खोल के। सो बताओ वो सब कैसे खोलने का है। आप ये देख सकते हैं इसके जो भी वायर्स है टोटल बॉडी के, ये सब निकाल लिए इधर इधर। और इसका एक्सलेटर केबल है वो भी निकाल लिया है। सो इसके जो चार बोल्ट से एलिमेंट के वो भी खोलने होंगे। खोलने के बाद इसका टोटल बॉडी जो है बाहर आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं इसका टोटल बॉडी है, ये रिमूव कर लिया है। अब इसका क्लीन करने वाले, और ये जो इसका इंटेक मैनिफोल्ड का जो होल है उसको वाइस डाल के, कपड़ा डाल के बंद कर देने का, क्योंकि कुछ स्पैनर विनर कुछ गिर गया ना तो अंदर चला जाएगा। सो इसको बंद कर देने का। अभी इसके इंजेक्टर्स खोलते हैं। आप ये देख सकते हैं ऊपर का ब्रैकेट्स वो सब खुल गया है। इसके इंजेक्टर से चार, इसका पेट्रोल का पाइप से मेन, ये भी रिमूव करना होगा। और इसके जो बोल्ट से 12 mm के देख रहे आप, एक है और इधर ये साइड में एक है, ये भी खोल लेने होंगे। उसके बाद इंजेक्टर जो है निकल जाएंगे। और उसके ये 10 mm के बोल्ट इस पर वो खोल के भी इसको, ये वाल जो है इसको इधर से रिमूव करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं इसके इंजेक्टर्स जो है निकाल दिए। अब इसको सर्विस करने वाले मैं आपको बताता हूँ, इस मतलब ये इंजेक्टर से कैसा फायर करते, कैसा इधर से जो है स्प्रे करते, वो जो भी है सब बताता हूँ आपको चलने वाले। ये देख सकते हैं इसका इंजेक्टर जो है सर्विस कर रहे हैं। इसका जो रीडिंग है सबसे पहले 9000 RPM पे लेना चाहिए। हाँ, ये देख रहे हैं 9000 पे है। हाँ, देख रहे हैं आप अंदर स्प्रे कर रहे हैं इंजेक्टर है, अंदर स्प्रे कर रहा है, मतलब 9000 हो रहा है। 9000 के RPM पे स्प्रे कर रहा है, वो फास्ट स्प्रे करने से इसका जो इंजेक्टर वो सर्विस हो रहा है, क्लीन हो रहा है। हल्का सा दिख रहा है अंदर डॉट। ऊपर ये फायर कर रहा है अभी, ये RPM दिख रहा है। अभी RPM स्लो किया है, 3000 के ऊपर रखा है, ये देखो। देखिए 3000 पे RPM रखा है अभी। और इसका जो रीडिंग है वो भी इधर 60 पे देख रहे हैं, 60 के ऊपर आना चाहिए। मीन्स अपना जो इंजेक्टर है वो परफेक्ट है, ये देख रहे हैं फ्यूल जमा हो रहा है 3000 पे RPM में। धीरे धीरे जमा हो रहा है फ्यूल, एक मिनट में होना चाहिए थोड़ा। हाँ, एक मिनट में होना चाहिए। इधर इसका टाइमिंग दिया है, ये देखो 1 लिखा है, 01। ये पूरा जो प्रोसेस है वो 1 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। उसका रीडिंग मतलब 1 मिनट के अंदर 60 के ऊपर जाना चाहिए। ये देखो 60 के ऊपर गया है रीडिंग, मतलब मीन्स अपना इंजेक्टर जो है वो परफेक्ट है। ऐसे चारे जो इंजेक्टर्स है सफा कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं इसके चारे जो इंजेक्टर्स है वो सर्विस करके ले लिए। उसका क्या क्या रीडिंग है, कैसा वर्क करता है, किसने RPM पे कितना है, वो सब मैं आपको दिखाया। सो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर एक कैमरे में नहीं दिखा देता, ये देखो हल्का सा चार होल है, ये देख रहे हैं आप। उस ये होल के अंदर से जो पिस्टन पे है जो स्प्रे करता है, ये देखो चार पॉइंट दिख रहा है आपको,
सो अभी कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रॉपर। तो इसको लगाने वाले इंजेक्टर्स को, ये देख रहे, ये चार होल दिख रहे आपको इंटेक मैनिफोल्ड के ऊपर, ये देखो हेड में, एक दो तीन और इधर का ये चार। सो अभी इंस्टॉल करने वाले इसको, आप ये देख सकते हैं इंजेक्टर को, ये वाइसर साथ है, ये इधर ऐसा लगता है, मतलब वो इंजेक्टर में ही लगते हैं लेकिन पहले इधर लगा के लेना चाहिए। देखो बाकी ये तीन भी लगा दिए, देखो तो आप देख रहे हैं जस्ट ऐसा ही रहता है लगाने का, नीचे नीचे दिखा। स्टॉप कर। ये लगाने से पहले इसके अंदर जो है ग्रीस लगा लेना, ग्रीस या फिर ऑयल, ये देखो मैंने इधर लगाया है, ये दिख रहा होगा, क्योंकि जब भी इंस्टॉल करते हैं तो ग्रीस की वजह से क्या है अंदर जल्दी चला जाता है, तो अटकता नहीं है या फिर ओरिंग कट नहीं होता, फटता नहीं है, सो इजीली इंस्टॉल हो जाता है। सो ग्रीस या फिर ऑयल लगा लेना ओरिंग्स को। आप ये देख सकते हैं इसका टोटल बॉडी है, ये ऑलमोस्ट क्लीन ही है, इसको ज़्यादा कुछ कार्बन नहीं है, फिर एक बार स्प्रे मार लेते इसमें। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं इसका स्पार्क प्लग है, ये भी रिप्लेस करने वाले, ये देखो इस पर पूरा जंग खा गया है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा जंग खा गया है, सो इसको भी रिप्लेस करने वाले हैं। ये इसके नए स्पार्क प्लग है, ये इंस्टॉल करने वाले हैं, ये इसके लगते हैं, ये देखो इधर ये चार स्पार्क प्लग जो है इंस्टॉल होते हैं। देखो फ्रेंड्स गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी में हल्का सा भी जैकिंग नहीं है, देखो गाड़ी स्टार्ट है, बेल्ट बेल्ट का नॉइज है, वो सब करंट ब्लैक, कुछ भी मिसिंग नहीं है, एकदम नॉर्मल है।